हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक और नई रेसिपी, तो जो है सौंठ के लड्डू, कहा आप कह सकते हैं गोंद के लड्डू या कि हरीरे के लड्डू। जो हरीरा बनता है ना ठंडियों में, जो बच्चे वगैरह, जैसे बच्चों को देने के लिए आप च्यवनप्राश भी कह सकते हैं, जैसे कि आप ये रामबाण है दोस्तों, सर्दियों का बहुत अच्छा इलाज है, ताकि दवाई ना आप लोगों को खानी पड़े, बच्चों को, बड़ों को, सबके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा भी गला बहुत ख़राब है, इसीलिए मैंने बनाई थी और आप लोगों के लिए भी शेयर की है, ताकि आप बना के रख सकें और ठंडियों में आप लगातार बच्चों को आप भी दीजिए। बच्चों को दूध के साथ आप एक कप चाय के साथ सुबह एक लड्डू खाइए, बहुत 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 लाभदायक है दोस्तों ये दवाई। आप अंग्रेजी दवाई से अच्छी है ये, और आप इसे पूरी ठंड भर, 2-1.5 महीने जब भी ठंड पड़ती है आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं, ढेर सारे बाजरे के आटे के, गेहूं के आटे के। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं। तो इधर मैंने ले लिए है कुछ इंग्रेडिएंट, इधर ले लिए थोड़ी सी अजवाइन और भुना हुआ जीरा, ताकि मेरे पास भुना हुआ जीरा पहले से रखा था, तो हल्का सा रोस्ट मैंने कर लिया है, ड्राई रोस्ट करना है इसको। अजवाइन मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है और 1 टी स्पून ले लिया है जीरा। ठीक है, आप अजवाइन और ज़्यादा ले सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। इधर मैंने इसको ठंडा कर मतलब निकाल लिया है ठंडा करने के लिए, तो जैसे ठंडा हो जाएगा तो इसको पीसना है, इसको क्या करना है बाद में बताऊँगी। इधर मैंने एक गोला ले लिया था नारियल का, जो सूखा हुआ जो नारियल का गोला होता है, पूरा नारियल की गरी, तो उसको पूरा कद्दूकस ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था महीन वाले से, और इसको कर लेंगे हम ड्राई रोस्ट, ना घी में ना तेल में, किसी में नहीं, ऐसे ड्राई रोस्ट करना है, ताकि नारियल हमारा जो है थोड़ा सा सूखा सा हो पाए, मतलब थोड़ा मॉइस्चर इसका कम हो। ठीक है, लड्डुओं के लिए ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करेंगे, तो सारी चीज़ें हम ड्राई रोस्ट या घी में फ्राई करके लेंगे। इसी कढ़ाई, सेम कढ़ाई में हमने मखाना ले लिया है, 250 ग्राम मखाना था। ठीक है, और एक पूरा नारियल लिया था हमने गोला, तो आप क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा कम जैसे आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो मखाना मैंने ज़्यादा लिया था, इसको मखाना को ड्राई रोस्ट करके एक परात में मैंने निकाल लिया, ताकि ठंडे हो जाए। ठीक है, ठंडा हो जाएगी। इधर अजवाइन और जीरा जो मैंने भूना था ना, इनको एक मिक्सी के जार में, बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा दद्दरा सा पीस लेंगे। ठीक है, पीस के इसको साइड में रख देंगे, इसका क्या करना बाद में बताती हूँ आपको मैं। इधर हम क्या करेंगे, कढ़ाई में 1 चम्मच लेंगे घी, 1 से 1.5 चम्मच, जो भी घी में या तेल में आप जैसा बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। हरीरा जैसे कि आप जानते हैं सरसों के तेल में भी बनता है, घी में भी लोग बनाते हैं। इधर ले लिया है गोंद, तो गोंद मैंने 1 कटोरी लिया था, तो गोंद को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है घी में। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया, फूल गया है, और एक एक दाना फूल जाए, थोड़ा थोड़ा करके करिएगा। अगर आप घी ज़्यादा लेना चाहते हैं या तेल, उसमें अच्छे से अगर पूरा करना चाहें, पूरा मैंने 2 बार में किया था दोस्तों, दोनों बार में 1 कटोरी पूरा मैंने करके एक बाउल में निकाल लिया है। बाउल में निकालने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे। ठीक है, इसको गर्म गर्म ग्राइंड नहीं करना है, बताऊँगी अभी क्या करना है, आगे देखते जाइए, वीडियो मेरी फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ बना के देखिएगा, इतना अच्छा यमी लड्डू बनता है। और खाने में ही नहीं दोस्तों, ये सेहत के लिए भी भरपूर, आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों बूढ़ों सबके लिए, हड्डियों में दर्द होता है ठंडियों में, उसमें भी बहुत लाभदायक है ये लड्डू। लड्डू भी बना सकते हैं, इसका जो हरीरा होता है केवटा बोलते हैं जिसको, आप लोगों का क्या बोला जाता है दोस्तों बताइएगा। इधर मैंने काजू बादाम भी फ्राई कर लिए हैं 1 चम्मच घी में। ठीक है, उसी सेम कढ़ाई में ही सारे मैं फ्राई कर लूँगी। इधर मिक्सी के जार में जो मैंने अजवाइन और जीरा जो ड्राई रोस्ट किया था, एक बाउल में निकाल लेना है। ठीक है, इधर मैंने ले लिए सौंठ, 1/4 कप लेना है सौंठ, 2 टेबल स्पून मैंने ले लिए हल्दी है। ठीक है, आप हल्दी ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, सौंठ मैंने कम ली थी, थोड़ी और लेती तो ज़्यादा
अच्छा रहता है। सॉल्ट जितने ही इस इन लड्डुओं में आप यूज़ करेंगे उतना ही बहुत यम्मी लड्डू बनता है। तो हल्दी आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने 2 टेबल स्पून हल्दी ली थी, इसको मिक्स कर लेना है। अजवाइन है, जीरा है जो भुना था वो, हल्दी है, सौंट है, ठीक है। इसको 1/4 जो कप मैंने जो सौंट लिया था ना उसी कप से दो कप मतलब 1/4 1/4, ठीक है, 2 बार मैंने पानी लगाया है। ये देखिए इसमें अच्छे से पानी देना है ताकि ये अच्छे से हमारे मसाले हैं फूल जाए, भीग जाए इसमें से पानी में, और उसको थोड़ी देर के लिए हम इसको सोक होने के लिए रख देंगे। अलग उसको साइड में रखेंगे ये, ठीक है। इधर हम ले लेंगे सेम कढ़ाई में ही, जो घी की कढ़ाई थी ना उसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे, गुड़ हमने डाल दिया है। गुड़ हमारा 250 ग्राम है दोस्तों, आधा किलो 250 ग्राम, जैसा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग। मेरा गुड़ कम था तो मैंने इसी में बनाया, लेकिन आपके पास अगर गुड़ आधा केजी है तो आप गुड़ ज़्यादा लीजिएगा। गुड़ का टेस्ट इस लड्डुओं में बहुत बहुत अच्छा आता है, ठीक है। आटा मैंने गेहूं का लिया था, आप बाजरे का भी ले सकते हैं। अभी दिखाती हूँ आगे, आप देखते रहिएगा। गुड़ को क्या करेंगे, थोड़े से पानी में, करीब आधा कप पानी मैंने ले लिया है, ठीक है, इसमें इसको छोड़ देंगे पकने के लिए थोड़ी देर, बॉयल हो जाए तो गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। इधर तक हमने जो नारियल का बुरादा जो लिया था, सॉरी नारियल जो गोला लिया था, जो ग्रेट किया था और रोस्ट ड्राई रोस्ट कर लिया था उसको रखा था, उसी में सारे हम गोंद और ये सब सामान, मखाना, बादाम, काजू, जो भी आप ड्राई फ्रूट लें, जो भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना चाहें, जो आपको अच्छे लगते हो वो आप लेके, जो आपने फ्राई किए हो वो आप फ्राई किए हो सारे एक मिक्सी के जार में ददरे पीस लें। बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है। गोंद तो वैसे भी देखिए थोड़ा सा ही चलाया है और अच्छे से पीस गया है। इसको सारे एक परात में या बड़े बर्तन में निकाल लें आप सारा। इधर काजू बादाम भी ले लिया मैंने, इनको भी छोटे मिक्सी के जार में मैंने ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। मोटा मोटा ग्राइंड करना है, बहुत महीन नहीं करना है। आप जैसा करना चाहें, महीन करना चाहें तो महीन भी कर सकते हैं। इधर जो गुड़ हमने मेल्ट किया था ये छान लेंगे, क्योंकि इसमें गुड़ में कचड़ा रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुड़ सीधे मत डालिएगा, हमेशा गुड़ को छान के ही लेते हैं। इधर कढ़ाई में हमने थोड़ा सा घी ले लिया है 2 चम्मच। इधर डाल देंगे अजवाइन 1 चम्मच हाथ से अच्छे से क्रश करके, ठीक है, अच्छे से मसल के हम कढ़ाई में डाल देंगे। और ये जो मसाले हमने सोख करके रखे थे, हल्दी, अजवाइन, जीरा और सौंठ, इनको क्या करेंगे, इसी में हम इसी घी में छोड़ देंगे जिसमें अजवाइन हमने डाली है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जैसे मसाला छौंकते हैं ना सब्जी में, इसी तरह से घी लगाया है मैंने, अजवाइन थोड़ी सी डाली है। आप जीरा डालना चाहें तो जीरा भी थोड़ा डाल सकते हैं, जीरा लेकिन कुटा हुआ हो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुँह में आता है इन लड्डुओं में थोड़ा कुटा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इसमें मैंने हल्दी जो मसाले सोक किए थे वो सारे डाल दिए। इनको भून लेना है, भूनने के बाद अच्छे से तेल, जब घी या तेल हमारा जैसे छूटने लगे ना, मैंने तो घी लगाया था तो जैसे घी हमारा छोड़ दिया था मसालों ने, अच्छे से भूनने के बाद हमने गुड़ का जो पानी रखा था ना, जो छान के स्ट्रेन करके रखा था वो भी डाल दिया था। उसको अच्छे से पकाने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट हमने जो मिक्सी के जार में अच्छे से मतलब अच्छे से मैंने ग्राइंड करके रखे थे वो सारे मैंने इसमें डाल दिए। ये गेहूं का आटा भून लिया हमने एक साइड में, तो ज़्यादा आटा नहीं लेना है, करीब 100-150-200 ग्राम तक मैंने आटा लिया था, इतना ले लीजिएगा कि मिक्सर में हमारे मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा आटा ज़्यादा ना डालिएगा नहीं तो लड्डू नहीं बन पाएंगे दोस्तों। देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ये देखिए अगर बाजरे का आटा हो वो भी भून लीजिएगा, तो बाजरे का आटा आप ले सकते हैं। ये देखिए लड्डू हमारे यम्मी यम्मी बन के तैयार हैं दोस्तों। आप लोगों को मेरी रेसिपी ऐसी लगी है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, करके बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग को अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो, लड्डू अच्छे लगे तो प्लीज़ बनाइएगा अपने सेहत के लिए, बच्चों के लिए और सबको खिलाइएगा, बड़े बुजुर्गों के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों, एंजॉय कीजिए दोस्तों।